उत्तराखंड विधानसभा रे यूसीसी बिल आगत बिल पास हेबा पारे राज्यपाल अनुमोदन पर खूब शीघ्र देशर प्रथम राज्य भाव में उत्तराखंड रे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होबाकु जाउछि। विधानसभा रे बिल आगत समय जोरदार जय श्रीराम नारा लगा जायतिला। समान नागरिक संहिता बा यूसीसी हेउछि नागरिक मानकर व्यक्तिगत आईन प्रणयन एवं कार्यकारी करबा पई एक प्रस्ताव जहां समस्त नागरिकक धर्म लिंग जौन आभिमुख्य निर्विशेष रे समान भाव रे लागू हुए। 2024 को पुनः स्थापित करता हूं। देखिए हम सब उत्तराखंड के विधायकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, आनंद अभिभूत। ऐसा अवसर प्रभु रामलला का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूरा भारत आनंद में था। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 एक झटके में समाप्त हो जाती है, देश को खंडित कर रहा है। पूरा देश आनंद में था, हम भी आनंद में थे, लेकिन इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? समान नागरिक संहिता जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा और हम उसके साक्षी हैं। हम उसे पास कराने का एक निमित्त बन रहे हैं, इससे बड़ा आनंद का समय नहीं हो सकता। देश के संविधान निर्माताओं ने देश से तभी अपेक्षा की थी कि ये समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में उन्होंने दिशा निर्देशक तत्वों में कहा, लेकिन 75 साल लग गए। हमारी वह मुस्लिम बहनें, चार चार विवाह होते हैं, किस प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, उनकी कोई अनुमति नहीं रहती। साहबानों का वो केस जिसमें 40 साल की शादी के बाद 5 बच्चों के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ 100 रुपए का गुजारा भत्ता देता है तो कांग्रेस की सरकारें संविधान में संशोधन कर सकती हैं। केवल किस लिए? मुस्लिम वोटों के लिए, तुष्टिकरण के लिए। और आज तक वह तुष्टिकरण और मुस्लिम वोटों के लिए जिस प्रकार से ये समान नागरिक संहिता का विरोध करते रहे, आज वह विरोध समाप्त हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में एक देश को नई दिशा देने वाला बना है। हमारी बहनों को वसी जितनी भी संपत्ति है उसमें बराबर का हक मिलेगा, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।